नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है एक गिलास दूध और ससुराल का नियम। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। सिमी, कहाँ खोई हो? देखो, अपना घर आ गया, अतुल ने हौले से उसके कंधे को स्पर्श करते हुए कहा। अपने पति की आवाज सुनकर सिमरन की तंद्रा टूटी। उसने झट से अपना घूंघट संभाला। कत्थई रंग के जोड़े में वो बिल्कुल एक प्यारी सी सजी धजी गुड़िया की तरह लग रही थी, पर उसके माथे पर चिंता की रेखाएं मौजूद थी। अतुल और सिमरन की लव मैरिज हुई थी। उन दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम था। शादी के पहले ही वो दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद और स्वभाव के बारे में सब कुछ जान गए थे। अतुल प्यार से सिमरन को सिमी कहकर बुलाता था। शुरुआत में उसकी सास इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, लेकिन सिमरन के ससुर जी ने किसी तरह समझा बुझाकर उसकी सास को राजी कर ही लिया। बहुत ही धूमधाम से सिमरन और अतुल की शादी हो गई। सिमरन ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी सास देवयानी जी गृह प्रवेश की रस्में कराने के लिए उसके स्वागत में खड़ी थी। थोड़ी ही देर में सिमरन के हल्दी लगे हुए हाथों के छाप जगह जगह दीवारों की शोभा बढ़ाने लगे, मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ हो। सिमरन पूरे समय घबराई हुई सी रही, क्योंकि वह जानती थी कि शादी से पहले उसकी सास ने उसे पसंद नहीं किया था। देवयानी जी तटस्थ भाव से एक एक करके सारी रस्में पूरी करवाती जा रही थी। सिमरन भी सांस रोके उनके कहे अनुसार हर एक कार्य किए जा रही थी। एक सप्ताह तक घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा रहा। इस बीच सास बहू को आपस में ज्यादा संवाद करने का समय नहीं मिल पाया। एक सप्ताह के बाद धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार भी लौट गए। उसके बाद अगले दिन से ही सिमरन भी रसोई में अपनी सास की मदद करने लगी। उसकी सास उससे ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। सिमरन को पता था कि शुरुआत में उसकी सास थोड़ी नाराजगी दिखाएगी ही, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जल्दी ही अपनी सास का दिल जीत लेगी। पूरा दिन अच्छे से गुजर गया। रात को डिनर के बाद जब सिमरन अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी, तो उसकी सास ने दो बड़े बड़े कांच के गिलास में दूध निकालकर एक ट्रे में सिमरन को देते हुए कहा, यह लो बहू, दूध तो लेती जाओ। सिमरन ने अपनी सास की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए पूछा, मम्मी जी, ये दूसरा गिलास किसे देना है? देवयानी जी ने कहा, एक गिलास अतुल के लिए और एक गिलास तुम्हारे लिए। सिमरन ने असमंजस भरे स्वर में पूछा, दूध और वह भी मेरे लिए? देवयानी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या तुम दूध नहीं पीती क्या? सिमरन ने कहा, नहीं, दूध तो पीती हूँ, लेकिन आप मुझे दूध क्यों दे रही हैं? मम्मी जी, मैंने तो अपने घर में भी देखा है कि दूध घर के मर्द और बच्चों के लिए होता है। घर की औरतें कहाँ दूध पीती हैं? देवयानी जी ने प्यार से उसका हाथ थाम कर कहा, देखो बहू, बहुत से घरों में सदियों से यही परंपरा चलती आई है कि घर के मर्दों और बच्चों को दूध दिया जाता है, लेकिन बीवियां खुद दूध नहीं पीती हैं। यह सब पहले से ही होता रहा है कि औरतें खुद को मर्दों से पीछे समझती है, इसलिए वो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती। अरे, पोषण की जरूरत तो सबको होती है, फिर चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत। सिमरन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। आज पहली बार उसने अपनी सास को इतना बोलते हुए देखा था। देवयानी जी ने आगे कहा, पहले मैं भी ऐसी ही थी, सबके खाने पीने का ध्यान रखती थी, बस खुद का ध्यान नहीं रखती थी। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे घर में किसी ने मना किया था कि तुम यह मत खाओ या वह मत खाओ, लेकिन पता नहीं क्यों शुरुआत से सोच ही ऐसी थी कि घर में सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत घर के मर्दों और बच्चों को होती है, इसलिए उन्हें ही अच्छा खिलाया पिलाया। अब ऐसे में मुझे कैल्शियम की कमी हो गई। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं अपने खान पान पर ध्यान दूं, दवाइयां भी शुरू हो गई। असमय ही मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान नहीं रख रही थी। तुम्हारे ससुर जी की डांट भी पड़ी कि सब तो तुम्हारे हाथ में ही था, फिर क्यों नहीं अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा।
मुझे भी अफसोस हुआ, आखिर हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं थी। इसके बावजूद मैंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा। लेकिन झटका लगते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। उसके बाद से मैंने खुद के पोषण का ध्यान रखना भी शुरू कर दिया और मैंने उसी समय निश्चित कर लिया था कि मेरी बहू जब आएगी तो मैं भी उसे शुरुआत से ही अपने खान पान का ध्यान रखने की सलाह दूंगी। देखो बेटा, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, इसलिए हमें शुरुआत से ही अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे घर का नियम है कि बाकी आहार के अलावा घर के हर सदस्य को एक गिलास दूध तो रोज रात को पीना ही पड़ेगा। अपनी सास की बात सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, माँ भी तो ऐसे ही सबका ध्यान रखती है लेकिन खुद के खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मी जी आज आपने मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। मैं कल फोन करके अपनी माँ को भी ये सब बातें समझा दूंगी कि वह भी अपना ध्यान रखा करे। देवयानी जी ने मुस्कुरा कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, तुम अपनी माँ को जरूर यह सब बता देना। अब जाओ, दूध लेकर अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सिमरन अपनी सास की इतनी अच्छी सोच देखकर भावुक होकर उनके गले लग गई। उसका मन भर आया और आंखों के कोर गीले हो चले। देवयानी जी ने भी प्यार से उसका माथा सहला दिया, उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। आज सास बहू के बीच के सारे फासले मिट चुके थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।